हेलो गाइस टुडे आई विल शो यू यूनिक शूज डिज़ाइन नो यू कैन सी इन दी वीडियो एंड फ्रेंड्स लॉट ऑफ कस्टमर वांट टू सिंगल पीस फ्रॉम चेक क्वालिटी सो वी विल स्टार्ट एज सून यू कैन बाय इट फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल सिंगल पीस बट प्राइस मे बी डिफरेंट इन होल बेसिकली वी आर डील्स इन होल एंड दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारा जो प्राइजिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत कम है और दूसरी मार्केट के कंपैरिजन में क्योंकि किसी भी होलसेल मार्केट में प्राइस काफ़ी ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे रेंट काफ़ी होता है दो से तीन लाख रुपए रेंट होता है और आप कहीं दूसरी आउटसाइड मार्केट में बैठ के अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो रेंट आपका बच जाता है वही कॉस्टिंग आपकी प्रोडक्ट में कम आ जाती है फिफ्टी से हंड्रेड रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता है मार्केट से जो प्राइस है मान लो कोई शूज़ सेवन हंड्रेड का है तो हमारे पास वो सिक्स हंड्रेड का मिल जाएगा क्योंकि हमारा कोई रेंट नहीं है उसमें तो उसमें भी काफ़ी बचत आ जाती है तो और बेसिकली हमारा डायरेक्ट भी इम्पोर्ट होता है तो उस वजह से भी कुछ डिजाइनों में तो भी प्राइस कम आ जाता है काफ़ी तो आप अगर बहुत जल्द हमारा रिटेल में भी स्टार्ट होने वाला है तो आप उसमें मंगवा के एक सिंगल पेयर से क्वालिटी चेक कर सकते हैं आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त है इसकी और बिल्कुल यूनिक है एकदम लुक वाइज जो है और हमारी जो प्राइजिंग स्ट्रैटी है वो इसलिए भी कम है क्योंकि बेसिकली हम लॉट में डील करते हैं लॉट में क्या होता है कि कुछ जैसे जो ऑलरेडी आप वर्क कर रहे होंगे तो आपको पता होगा लॉट क्या होता है स्टॉक लॉट हम किसी भी कंपनी से या किसी भी इम्पोर्ट से डायरेक्ट क्वांटिटी में जितना भी माल होता है परचेज़ कर लेते हैं उसमें कितने भी डिज़ाइंस हो सकते हैं कलर्स होते हो सकते हैं तो उसमें हमें हम चूज़ करके नहीं उठा सकते उसको हमें सारा का सारा माल परचेज़ करना होता है तो उसके अंदर अच्छा माल भी होता है अच्छे डिज़ाइन भी होते हैं बेकार भी होते हैं एक प्राइस सेट कर दिया जाता है जिसमें कि वो सारा माल सपोज एक कंटेनर में चार सौ कार्टून माल होता है ट्वेंटी फोर पेयर का तो वो पूरे का, पूरे का पूरे कंटेनर की एक जैसे बोली ऑक्शन जिसको बोलते हैं ऑक्शन की तरह हम उसको परचेज़ कर लेते हैं तो उसमें प्राइस काफ़ी कम आ जाता है तो इसलिए भी हमारे पास काफ़ी प्राइस कम होते हैं और आज के कंपिटिटिव सिनेरियो के अंदर आपको कहीं ना कहीं से एक दूसरी स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए तो इसी तरह की काफ़ी स्ट्रेटजी हमारे पास हैं तो वो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे उसकी वीडियो ले सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में और अपने सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि किस तरह से आपको प्राइजिंग कम करनी है किस प्रोडक्ट की जो जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइजिंग कम करके आप सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं एडवर्टीज़मेंट है कि आप कैसे इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट से अपनी सेल को बूस्टअप कर सकते हैं और किस तरह से जो लेटेस्ट डिज़ाइन आप रख के जो यूनिक डिज़ाइन है जैसे आप ये देख सकते हैं तो उससे भी आप मार्केट में अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं एक ब्रांड नेम इमेज क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपकी सेल बूस्टअप होगी आपकी मार्केट के अंदर एक इमेज बनेगी और बेसिकली मेन बात आती है प्राइजिंग स्ट्रैटेजी अगर आप किसी ऐसे होलसेलर से माल परचेज़ करते हैं जिसकी प्राइजिंग ऑलरेडी कम है तो आप ऑलरेडी उसको कम पे बेच के भी उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे व्हाट्सएप में और डिज़ाइन ले सकते हैं और प्लीज़ हम आपको अभी कई बार कई कस्टमरों को हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो इस वजह से मैं सॉरी कहना चाहता हूँ पर हम जल्द से जल्द एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं जिसको ऑन द जिसमें कि आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई मिलेगा और आपके पास टाइम टू टाइम फोटो और प्राइजिंग आती रहेंगी थैंक यू सो मच